ममता बनर्जी की तो ये नौटंकी है जो अक्सर वो करती हैं, वो किसके खिलाफ आई थी या वो क्रिमिनल्स के पक्ष में आई थी? जंगल राज इसी को कहते हैं, फासिस्ट इसी को कहते हैं। ममता से कहना चाहिए कि आप जैसे पार्टनर अगर हमारे इंडिया गठबंधन में रहेंगे, आपके साथ रहने पर भी विचार करना पड़ेगा। हड़ताल को लेकर के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर अश्विनी सिंह बघेल पहुंचे एस एन मेडिकल कॉलेज, तो हम बात कर लेते हैं सर, कोलकाता में जो घटना हुई संदेश खाली से लेकर के कोलकाता तक और ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतर गई, तो ये कौन सा संदेश ममता बनर्जी की तो ये नौटंकी है जो अक्सर वो करती हैं, वो किसके खिलाफ आई थी? मुझे लग रहा है कि सीबीआई से जांच ना हो उसके खिलाफ आई थी, माननीय हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया उनसे तफ्तीश छीनी है, शायद उसके खिलाफ आई थी या वो क्रिमिनल्स के पक्ष में आई थी। दुर्दंत, बहुत विभत्स घटना है, अशोभनीय है, निंदनीय है और सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं का कोई स्थान नहीं होता। प्रथम दृष्टया अपराधी होते हुए अगर शुरू में कलकत्ता पुलिस एक्शन ले लेती तो माननीय हाईकोर्ट को संज्ञान नहीं लेना पड़ता और सीबीआई को नहीं आना पड़ता। इसमें दो घटनाएं मुझे बहुत आहत की हैं। पहली तो घटना हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा ये है कि जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस था उस पर 7,000 लोगों ने चढ़ाई कर दी। जंगल राज इसी को कहते हैं, फासिज्म इसी को कहते हैं, और सीसीटीवी वगैरह तोड़ के चले गए, फर्नीचर तोड़। ये क्या इनका उद्देश्य था? इनका उद्देश्य केवल था एविडेंस को समाप्त करना और भय बनाना, और कॉलेज के अन्य बच्चों पर यह भय बनाना कि किसी कोई चश्मदीद गवाह अगर है भी तो अपना मुंह नहीं खोले। ऐसा नहीं है घटना में अपराधियों को आते हुए जाते हुए अपराध करके लौटते हुए नहीं देखा होगा लोगों ने, लेकिन लोग साइलेंट थे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपका पड़ोसी पिट रहा है, आप चुप हैं, तो अगला नंबर आपके ही है। दूसरे के घर में आग लगाई है और घर पड़ोस में है और हवा ने रुख अगर पलट लिया तो फिर अगला नंबर आपके ही घर का है। तो इस देश को दुर्जनों की दुर्जनता से उतना खतरा नहीं है जितना सज्जनों की निष्क्रियता से है। तो मैं आपकी एक महत्वपूर्ण चैनल है उसके माध्यम से उस अस्पताल के मरीजों को, मरीजों के सहचरों को, सभी स्टाफ को आम जनता से कहना चाहूँगा कि अगर आप सामने नहीं आना चाहते हैं तो जो देखा है उसको कई तरीके हैं। सीबीआई को एक लेटर बिना दस्तखत के भी भेजा जा सकता है, फिर वो उसको डेवलप कर सकते हैं। आप घटना, टाइम, स्थान, कुछ नाम लिख दें और उसको ऐसे ही फेंक दें बिना एफिडेविट के, देन फिर वो उसको डेवलप करना एजेंसी का काम होता है। तो आज जो रेजिडेंस डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष मिस्टर यादव हैं, उनने, उनकी अन्य जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है। उनकी मांग ये भी है कि कलकत्ता वाले केस में तो न्याय मिले, लेकिन पूरे देश के चिकित्सकों को, जीआर को, एसआर को रहने की और थोड़ी सुविधा रहे, स्पेस मिले और उनको प्रोटेक्शन मिले, उनको सुरक्षा मिले, और केवल इमरजेंसी में भगवान ना माना जाए, बाकी समय भी उनकी इज्जत रहे। और उनके खिलाफ अगर कोई एक्शन होता, कोई हिंसा होती है तो उसको गंभीरता से लिया जाए। और उनका ये भी कहना है कि कोविड जैसी इमरजेंसी टाइम में जो एक एक्ट आया था उसके बारे में उनका कहना है कि उसकी आवश्यकता नहीं है। एक बात, और राहुल गांधी ने 4 दिन बाद ट्वीट किया इस मसले पर, और जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ करारा देती है, वो भी नजर नहीं, केवल राहुल गांधी के ट्वीट को शेयर कर लिया उन्होंने। एक्चुअली क्या है, ममता बनर्जी और राहुल गांधी वो इंडिया उसके अंग हैं, और मुस्लिम बाहुल राज्य होने के कारण मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के चक्कर में वो देश की आधी आबादी को अपमान दे रहे हैं, जबकि ही इज द लीडर अपोजिशन। सरकार का काम अलग है, लेकिन लीडर अपोजिशन को तो विजिट करना चाहिए, और यही प्रतिपक्ष के नेता की होती है कि राजनीति में चर्चा, प्रचार, खर्चा रहता है तो राजनीति में आदमी जिंदा रहता है। ऐसे मौक़ों पर जो जिम्मेदार पदों पर हैं उनको ट्वीट नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको प्लेस ऑफ ऑकरेंस पर जाना चाहिए। हाथरस चले गए थे वहाँ? हाँ, हाथरस लोकसभा की चुनाव की पूर्व संध्या पर विधानसभा के था, इसलिए उन्होंने कहा था। ये घटना हाथरस की घटना से कम विभत्स नहीं है, तो इसमें लीडर अपोजिशन को का भी है, केवल ट्वीट नहीं करना चाहिए बल्कि जाना चाहिए। और ममता से कहना चाहिए कि आप जैसे पार्टनर अगर हमारे इंडिया गठबंधन में रहेंगे तो मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, पहली बार कोई नेता कह रहा है, तो हमें आपके साथ रहने पर भी विचार करना पड़ेगा, ऐसा बोलना चाहिए। अगर वो देश की महिलाओं के साथ हैं और बच्चियों के साथ हैं तो। ये थे हमारे साथ अश्विनी सिंह बघेल, इनका साफ कहना था इन्होंने राहुल गांधी पर भी प्रहार किया, साथ ही साथ जो बंगाल की घटना है उसकी कड़े शब्दों में निंदा की और उम्मीद जताई कि सीबीआई की वजह से
अब पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। हिमांशु त्रिपाठी, ग्राउंड जीरो स्टोरी, आगरा।